हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नाइटिंग की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये नाइटी हम मीडियम साइज का बना रहे हैं। तो आप पहले थोड़ा कपड़े का समझ लेते हैं। अगर हम मीडियम साइज की नाइटी बना रहे हैं तो 2.5 मीटर में आपका हो जाएगा कपड़ा, और हेवी साइज रहा है तो 3 मीटर 3.25 मीटर, ये लेंथ के हिसाब से रहता है। अगर 52 इंच की आप लेंथ बना रहे हैं तो आपको 2.75 मीटर में हो जाएगा, और अगर उससे आप ज़्यादा लंबाई लेनी है तो फिर 3 मीटर आपको लग जाएगा। तो यहाँ मैं तो 3 मीटर कपड़ा लिया है और लंबाई भी हमको 52 इंच ही रखना है। तो ये भी कपड़े के अरज के ऊपर रहता है जैसे, तो ये इसकी जैसे चौड़ाई है वैसे हम 4 फोल्ड करके बिछा लिए हैं, और लंबाई पूरी अब देखते हैं कि हमको जितना चाहिए उतना कपड़ा हमारे पास है कि नहीं। तो ये 52 इंच की है, जितनी लेंथ हमको चाहिए थी उतनी है। और सिलाई मार्जिन, अगर आपके पास और ज़्यादा कपड़ा है तो 2 इंच सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। तो 52 इंच की लंबाई होगी। अब लंबाई वाले साइड को हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि लंबाई में नीचे घेर में तो बस कुछ कटिंग है नहीं, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ हम चेस्ट और यहाँ पर हम अब गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये जिधर बंद भाग है उस साइड हम गले की कटिंग करेंगे, खुला साइड में आर्म होल का कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में कटिंग है। तो खुला साइड से हम सबसे पहले निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आर्म होल के लिए हम 4.5 इंच में निशान लगाएंगे। नीचे हम 8 इंच रखेंगे। अब इसको भी अगर आप मीडियम, ये हम मीडियम साइज़ के बना रहे हैं तो 8 इंच रखे हैं। अगर आपको हेवी साइज़ के बनाना है तो आप 8.5 इंच रख सकते हैं, 9 इंच रख सकते हैं, और जो स्मॉल साइज़ बनाना है तो 7.5 इंच में निशान रख सकते। तो यहाँ हम मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो 8 इंच रखे हैं। अब हम यहाँ शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर रखेंगे 3 इंच का। फिर शोल्डर का भी नाप है कि अगर मीडियम साइज है तो आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं, और हेवी साइज में 3.5 से 3.5 इंच रख सकते हैं, 3 से 3.5 इंच। तो यहाँ हम मीडियम साइज में 3 इंच का रखे हैं। अब यहाँ हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमको चाहिए 5 इंच का, इसमें 2.5 इंच का हम योग पट्टी लगाएंगे, तो उसको ऐड कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ राउंड शेप दे देना है। और आर्म होल का भी ये मतलब नाइटी है तो इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से पहन सकते हैं, तो इसमें फ्रंट का कटिंग नहीं होगा, बस बैक का आर्म होल का निशान लगाएं। तो इसमें बस कटिंग इतना ही। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम योग पट्टी का कट करेंगे। तो ये हम नाइटी की कटिंग कर ली हैं, अब स्लिप की कटिंग करेंगे और योग पट्टी की। तो गाइस, इसके हम नाइटी की कटिंग कर ली है तो इसको उठा के हम रख देंगे, और ये जो साइड से हमारा जो कपड़ा निकला है उसका हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी आपको देख लेना है कि अपना प्रिंट जैसे जिस तरह है उस हिसाब से इसको रख लेना है। तो स्लिप की लेंथ हमारे पास तो कपड़ा बस इतना ही, तो 8 इंच रखेंगे। तो यहाँ हम आर्म होल की गुलाई देंगे
यहाँ भी हम बेखी और मोहल की गुलाई देंगे और 7 इंच का हमारा मोहरी है, 2 इंच का सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह ये हम अपना कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लिप की कटिंग हो गई है और अब हम योग पट्टी की कटिंग करेंगे। तो योग पट्टी के लिए आप अलग कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा उभर के आता है। तो ये हम योग पट्टी के लिए अलग सा कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिए हैं। अब हम योग पट्टी की कटिंग करेंगे। तो गले की मार्किंग हम 5 इंच में किए थे, तो गले के चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच का, लंबाई 5 इंच का रखेंगे। और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। दो हमारा कट गया फ्रंट और बैक दो नेक के लिए। अब इसी तरह हमको दो पट्टी और काटना है। अगर सेम इसमें अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप दूसरे कलर का भी पट्टी काट सकते। तो ये योग पट्टी की कटिंग हम कर ली है। अब इसमें हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से हम गले में पहले स्टिचिंग कर लेते हैं, फिर सीधा पलट। तो अब ये हम योग पट्टी का स्टिचिंग करेंगे। एक कट लगाने से फोल्ड करने में आसानी होती है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे सीधा। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हम ऊपर भी एक सिलाई लगा ले हैं। अब इस साइड से भी एक सिलाई लगा लेंगे जिसमें जोड़ने में आसानी होगी, नहीं तो इधर उधर की शक्त है। तो इस साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये साइड में हम सिलाई लगा ली है और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी युग पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट भी तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हमारी नाइटी है उसमें हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो गाइस हम इसमें जो हमारी नाइटी है तो ये हम ये ऊपर की सिलाई लगा लिए हैं। अब शोल्डर हम इसी तरह हम दूसरे साइड का भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हम दूसरे साइड का भी स्टिच कर लिए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे।
कि दोनों का फेस एक साइड रखेंगे जो सीधा है, और उसके बाद हम यहाँ शोल्डर अटैच करेंगे। इसी तरह दूसरे साइड का भी हम अटैच कर लेंगे। तो स्लीव में हम शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारी आस्तीन है उसमें जो योग पट्टी बनाए हैं उसी कलर का हम पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैं 2.5 इंच की पट्टी ली, ये अभी उल्टा की तरफ लगा रही हूँ, फिर ये सीधा की तरफ। ये तो एक साइड लगा लिए हैं, अब इसको हम सीधे आगे की तरफ लगाएंगे पट्टी। तो हम पट्टी इसमें लगा लें, इसी तरह हम दूसरे भी स्लीव में पट्टी लगा लेंगे। तो ये दूसरे स्लीव में भी हम पट्टी लगा ले हैं। अब हम इसको नाइटी में अटैच करेंगे। तो गाइस हमें स्लीव अटैच कर लिए हैं। अब हम नीचे बॉटम की सिलाई करेंगे। तो नीचे सिर्फ 1/2 इंच के दबानी है, एक बार इस तरह ऐसे करके। तो हम नीचे की सिलाई लगा लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लिए हैं। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। 7.5 इंच की मोहरी रखेंगे और इधर हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो गाइस हम नाइटी में फिटिंग के सिलाई दोनों साइड लगा ली है। अब हमारा नाइटी बिल्कुल बन के तैयार है। मैं आपको बहुत सारा तरीक़े से समझाने की कोशिश की हूँ। आप
आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।